हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, यानी वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉट, जिसे हिंदी में कहते हैं अपकृत्य के आवश्यक तत्व। दोस्तों, मैंने टॉट की बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, जो हमारा टॉट होता है उसके तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसके तीन आवश्यक तत्व होते हैं। दोस्तों, टॉट को हिंदी में बोलते हैं अपकृत्य। तो यानी दोस्तों, जो हमारा टॉट है उसके तीन आवश्यक तत्व होते हैं। पहला उसका आवश्यक तत्व होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित कार्य यानी रॉन्गफुल एक्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, अनुचित कार्य जो है यानी कि जो रॉन्गफुल एक्ट है उससे दूसरे व्यक्ति को कानूनी क्षति यानी लीगल डैमेज होना चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का कानूनी उपाय यानी कि लीगल रेमेडी प्राप्त होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इन तीनों एलिमेंट्स को डिटेल में अब पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉर्ट होता है यानी कि अपकृत्य होता है, उसका पहला आवश्यक तत्व होता है अनुचित कार्य का होना यानी कि रॉन्गफुल एक्ट का होना। दोस्तों, कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी अन्य व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का यानी जो हमारे लीगल राइट्स होते हैं उनका उल्लंघन, उनका हनन यानी उनका इन्फ्रिंजमेंट होना, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है जिससे किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह क्या होगा, वह रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा और उससे क्या होता है, उससे हमारे टॉर्ट की उत्पत्ति होगी। लेकिन दोस्तों, शर्त ये होती है कि वो रॉन्गफुल एक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि कानून की दृष्टि से अनुचित हो, ना कि सामाजिक या फिर नैतिक दृष्टि से। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के घर पे एक भिखारी जाता है और सर्दियों का टाइम होता है। वो भिखारी उस व्यक्ति से रहने के लिए और खाने के लिए भोजन मांगता है, रहने के लिए ठिकाना मांगता है, लेकिन वो उसको भगा देता है, भिखारी को भगा देता है। तो दोस्तों, उसने कोई टॉर्ट नहीं किया है, उसने सामाजिक या फिर नैतिक दृष्टि से एक गलत काम किया है। लेकिन दोस्तों, इससे हमारा टॉर्ट उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये जो उस व्यक्ति ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है यह कानूनी दृष्टि से रॉन्गफुल नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक दृष्टि से रॉन्गफुल है। क्योंकि दोस्तों, जो रॉन्गफुल एक्ट होता है वो कानूनी दृष्टि से अनुचित होना चाहिए, ना कि सामाजिक या फिर नैतिक दृष्टि से। और दोस्तों, यदि किसी कार्य से दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कार्य दोषपूर्ण होगा, भले ही वे कितना ही निर्दोषपूर्ण क्यों ना दिखता हो। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है, चाहे वह कितना भी निर्दोषपूर्ण क्यों ना दिखता हो, वह कार्य वह अपकृत्य को उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं दोस्तों कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही जमीन पर इतनी ऊंची दीवार बना लेना जिससे दूसरे व्यक्ति की रोशनी में रुकावट पड़ती है, यह कार्य हमारा टॉर्ट होगा। दोस्तों, जो कानूनी अधिकार होते हैं यानी लीगल राइट्स, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत अधिकार यानी पर्सनल राइट्स और दूसरा सार्वजनिक अधिकार यानी कि पब्लिक राइट्स। जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को स्पेशली प्राप्त होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट और दूसरा होता है सीमित अधिकार यानी कि लिमिटेड राइट्स। दोस्तों, जो एब्सोल्यूट राइट होता है यानी कि पूर्ण अधिकार, जिसके इंफ्रिंजमेंट होने पर बिना इसको सिद्ध किए कि किसी व्यक्ति का एब्सोल्यूट राइट जो है वो भंग हुआ है, जो प्लेंटिफ है वो वाद दायर कर सकता है यानी सूट फाइल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो सीमित अधिकार होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं, अगर उनका अगर हनन होता है तो इन अधिकारों को सिद्ध करना होता है कि हमारा हनन हुआ है। दोस्तों, पूर्ण अधिकार के एग्जांपल्स हैं जैसे कि हो गया हमारा सम्मान का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार होता है, शारीरिक सुरक्षा का अधिकार जो होता है, ये सब हमारे एब्सोल्यूट में आते हैं यानी एब्सोल्यूट राइट्स में आते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो बिना ये सिद्ध किए कि हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है हम सूट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जो सीमित अधिकार होते हैं उसके एग्जांपल है द्वेषपूर्ण अभियोजन यानी कि मेलासियस प्रोसिक्यूशन, और दूसरा इसका एग्जांपल है असावधानी यानी कि नेग्लिजेंस। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है जैसे कि फ्रॉडुलेंट हो गया एक्सेट्रा। जो हमारा टॉर्ट होता है उसका दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स होता है कानूनी क्षति यानी कि लीगल डैमेजेस यानी कि अपकृत्य, जिसे टॉर्ट भी कहते हैं, कि कार्यवाही के लिए आवश्यक होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी हानि होनी चाहिए जो कानूनी दृष्टि से क्या हो, क्षति हो यानी डैमेज हो। दोस्तों, इसके लिए हमें समझना होगा कि जो हमारी हानि होती है और जो क्षति होती है वो क्या होता है। दोस्तों, क्षति का मतलब होता है कि किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन यानी कि किसी व्यक्ति के जो लीगल राइट्स हैं उनका
उल्लंघन होना है, उनका इंफ्रिंजमेंट होना। और हानि का अर्थ होता है कि किसी कानूनी अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप हुआ नुकसान। दोस्तों कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है लेकिन हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनसे कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी होता है। दोस्तों इसको हम दो सूत्रों से समझेंगे, यानी कि दो लैटिन सूत्र हैं, दो लैटिन मैक्सिम्स हैं, उनके द्वारा हम इसको समझेंगे। पहला लैटिन मैक्सिम है क्षति बिना हानि, यानी इंजूरिया साइन डैमनम, यानी कि दोस्तों ऐसा लीगल डैमेज हुआ जिसमें कोई हानि नहीं हुई, यानी कि किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का उल्लंघन तो हुआ है, चाहे उसे एक पैसे की भी हानि क्यों ना हुई हो, वह अपने लीगल राइट्स के उल्लंघन होने के कारण ही, केवल उसके लीगल राइट्स के उल्लंघन होने के कारण ही वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर कर सकता है। यानी कि जो उसको डैमेज पहुंचा है, जो उसके लीगल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, चाहे उसको कोई हानि ना हुई हो, तब भी वह वाद दायर कर सकता है। दोस्तों दूसरा लैटिन मैक्सिम्स है हानि बिना क्षति, यानी कि डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब है ऐसी हानि हुई है जिसमें कोई क्षति नहीं हुई, यानी कि लीगल राइट्स का उल्लंघन ही नहीं हुआ लेकिन हानि हुई है। तो दोस्तों इस दशा में वाद दायर नहीं किया जा सकता है, यानी कि क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। दोस्तों इन दोनों लैटिन मैक्सिम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। दोस्तों अपकृत्य यानी कि टॉर्ट का तीसरा यानी कि लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है कानूनी उपाय, यानी कि लीगल रेमेडी। यानी कि दोस्तों अनुचित कार्य जो रॉन्गफुल एक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जिससे होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए कानूनी उपाय प्राप्त हो जाए। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हम इस सूत्र को समझेंगे जो कि एक लैटिन भाषा का सूत्र है, ubi jus ibi remedium, यानी कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, यानी कि जहां अधिकार है वहां उसके साथ ही उसके भंग होने की दशा में उसके लिए उपाय भी है। दोस्तों देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी का मतलब है ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं है जिसके लिए कोई रेमेडी ही ना हो। यानी कि दोस्तों वास्तव में अधिकार तभी स्थिर रह सकता है जब उसके यूटिलाइज करने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए सुविधा हो, और उसके भंग होने की दशा में, उसके इंफ्रिंजमेंट होने की दशा में जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। यानी कि प्रत्येक अपकृति जो कि टॉर्ट जिसे कहते हैं, उसके लिए कानूनी उपाय यानी कि लीगल रेमेडी होती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का कोई जो अधिकार है वो भंग होता है, तो उसके भंग होने की अवस्था में ये भी आवश्यक होता है कि उसके पास उसे लागू कराने का उपाय भी हो। यानी कि दोस्तों जो लीगल राइट्स होते हैं उनका अगर भंग होता है तो उसके लिए लीगल रेमेडी भी होती है। दोस्तों यानी कि प्रत्येक कानूनी अधिकार के यानी कि लीगल राइट्स के उल्लंघन से हानि होती है, चाहे उसमें एक रुपए की भी हानि क्यों ना हुई हो, लेकिन जो जिस व्यक्ति के लीगल राइट्स का उल्लंघन किया गया है वह कोर्ट में वाद दायर करके अपनी लीगल रेमेडी प्राप्त कर सकता है, यानी कि क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों जो क्षतिपूर्ति कराई जाती है वो अनलिक्विडेटेड होती है, यानी कि अनिर्धारित होती है। दोस्तों ये तो थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य के आवश्यक तत्व। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।